अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मनो सलवा, जिसमें आज बना रही हूँ दही काली मिर्च चिकन। रेसिपी को शुरू करते हैं, लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सके। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, सबसे पहले पैन के अंदर मैं क्या करूँगी, 1 टेबल स्पून घी ऐड कर दूँगी। ठीक है, मेरे पास घी है, देसी घी ले लें, बासमती ले लें, आपकी मर्जी है, इसे ऐड करूँगी। अब मैं इसके अंदर 1/2 किलो चिकन ऐड करूँगी, उसको हल्का सा फ्राई करूँगी। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, मिक्स करूँगी और इसे कवर कर दूँगी। ठीक है, चिकन जब पानी में गलेगा। चलिए चिकन को चेक कर लेते हैं। ये देखें, चिकन का पानी निकल गया। ठीक है, कलर भी चेंज हो गया है, लेकिन जगह अभी गली नहीं है, जब मैं गलाना है तो मैं क्या करूँगी, दोबारा से इसे मैं कवर कर दूँगी और तब पकाऊँगी कि ये गल जाए। ठीक है, दोबारा से कवर कर देती हूँ और इसे गलने देती हूँ। चिकन पक रही, ठीक है, मैं क्या करूँगी, मैंने पैन रखा है खाली, इसके अंदर में 1 टेबल स्पून सूखी मेथी है, इसे हल्का सा रोस्ट करूँगी। इसके बाद में इसे निकाल के हाथों से क्रश कर लूँगी और साइड रख दूँगी, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। चलिए चिकन को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चिकन जो है ऑलमोस्ट हमारी जो है गल चुकी है, इसका पानी भी जो है तकरीबन रिड्यूस हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसके अंदर जो है 50 ग्राम मक्खन ऐड करूँगी, बटर। ठीक है, फ्लेम स्लो करी हुई है, इसे ऐड कर दूँगी और इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, कूटी हुई डालिएगा फ्रेश कूट के तो खुशबू अच्छी आती है, ये ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही इसके अंदर मैं 6 से 7 जो है लहसुन के हैं, इसे मैंने ग्रेट किया हुआ है, आप चाहें तो इसे आप क्रश कर लें या कूट लें, मर्ज़ी आपकी। ठीक है, इसे ऐड करूँगी। 2 अदद हरी मिर्ची इस तरह पीस में कट किए हुए, ठीक है, थोड़ा सा उसे मैं भूनूंगी साथ। अभी अब मैं इसमें ऐड करूंगी कसूरी मेथी, जिसे हमने रोस्ट किया था, बस इसे ऐड करके मिक्स करूंगी अच्छी तरह पहले। अब मैं इसके अंदर दही ऐड करूँ, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर 1 पाव दही है, इसे ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करूंगी साथ तमाम चीज़ों को। अब मैं इसके अंदर अदरक ऐड करूँ, ठीक है, सजीलन कट किया हुआ अदरक को ये ऐड कर दूँगी इसके अंदर, हरा धनिया ऐड करूँगी, अच्छा से मिक्स करूँगी और 5-7 दिन के बाद इसे मैं डिश आउट कर लूँगी। सर्विंग से पहले मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी एक काली मिर्च है कुटी हुई, ठीक है, थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दूँगी इसके ऊपर और थोड़े से अदरक के स्लाइस और थोड़ा सा हरा धनिया, बस अभी बिल्कुल रेडी है। दही काली मिर्च चिकन रेडी हो चुका है, इसे आप पराठे के साथ या फिर रोगनी नान के साथ सर्व कर सकते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि पसंद आएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।